हेलो डॉक्टर सर, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। होप यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। दिस इज विष्णुकांत सिंह, वेलकम टू ऑल इन एडमिशन मीडिया। टुडे इन दिस सेशन वी गोना डिस्कस अबाउट द नीट पीजी 23 काउंसलिंग अपडेट, व्हेन इट गोना बी स्टार्ट, एज वेल एज वी गोना डिस्कस अबाउट द इफ योर रैंक इज फ्रॉम 15,000 टू 30,000 देन व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज फॉर यू, व्हाट आर द क्लिनिकल ब्रांचेस यू कैन गेट इन MD MS DNB एज वेल एज द NB डिप्लोमा। आज के इस वीडियो में आपसे सिंपल बात करने वाला हूँ। अगर आपके रैंक 15,000 टू 30,000 है तो कौन कौन सी ब्रांचेज आपको मिल सकती हैं MDMS के अंदर, DNB के अंदर, साथ में NB डिप्लोमा के लिए अंदर क्या ऑप्शंस होंगे। अगर आप लो बजट प्राइवेट के लिए भी मूव करना चाहते हो तो क्या आपके लिए मिनिमम पैकेज हो सकता है, या कौन सी लोअर फीस आपको मिल सकती है, कहाँ पे मिल सकती है, कौन से स्टेट को टारगेट करना चाहिए, इन तमाम चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ। उससे पहले मैं बता दूँ, अगर आप इस चैनल पर नए और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल एडमिशन मीडिया भी जरूर ज्वाइन करके रख लें, क्योंकि जो भी काउंसलिंग अपडेट होगी या जितनी भी चीज़ें फीस स्ट्रक्चर और बाकी चीज़ें आएंगी वो कॉन्टिन्यूसली हम वहाँ पे अपडेट करते रहेंगे। बहुत जल्द हम कॉलेजेस के स्टाइपेंड डिटेल और बाकी चीज़ों को भी अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना शेयर करेंगे, साथ में टेलीग्राम पे भी शेयर करेंगे। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो एडमिशन मीडिया के नाम से आपको चैनल मिल जाएगा, आप ज्वाइन करके रखें। बात करता हूँ, अगर आपकी रैंक 15,000 टू 20,000, इसके पहले वाली वीडियो में ऑलरेडी मैंने 2,000 टू 15,000 बता रखा है कि अगर आपका ये रैंक है तो आपको क्या क्या मिल सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, कहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज नहीं रहेंगी, लो बजट में आप जाते हो तो क्या पैकेज हो सकता है। अब अगर रैंक आपका 15,000 टू 20,000 है, इस केस में कुछ जगहों पर आपको सर्जरी मिलेगी, ऑर्थो के भी एक दो कॉलेजेस आपको मिलते हुए जरूर देखेंगे, NSTCI ENT आपको टॉप टू द टॉप कॉलेजेस में भी मिलेंगे। इवन आप अगर दिल्ली को टारगेट करते हो तो दिल्ली या दिल्ली के नियर बाई जो एरियाज हैं आपका, हरियाणा हो गया, गुड़गांव हो गया, राजस्थान के कुछ पार्ट हो गए, UP NCR हो गया, दिल्ली NCR हो गया, यहाँ पे भी आपको NSTCI ENT मिलेगा। ऑप्थल अगेन आपको महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली, हर जगह पे मिलेगा। बात करूं अगर यहाँ पे DNB की तो DNB के PDIA मिलने के चांसेस बनेंगे, गायनिक बहुत लिमिटेड चांसेस रहेगा, मिलेगा भी तो प्राइवेट जो स्पॉन्सर्ड सीटें रहती हैं वहां पे मिल सकता है, गवर्नमेंट में चांसेस नहीं रहेंगे। अगर मेडिसिन देख रहे हो तो बहुत बॉर्डर पे रह सकते हो आप, 15,000 टू 17,000 तक हो तो आप उम्मीद कर सकते हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ मिल जाएगा, उम्मीद कर सकते हो। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव शिफ्ट होंगी, लेकिन इस सेशन के अंदर जहां तक न्यूजेस समझ में आ रही है या जहां तक चीजें अभी तक एनालिसिस में समझ में आ रही है, मैक्सिमम टू द मैक्सिमम DNB और NB डिप्लोमा की सीटें इंक्रीज होने के चांसेस हैं। MDMS की सीटें थोड़ी डिक्रीज होंगी या थोड़ी कम इंक्रीज होंगी, लेकिन DNB और डिप्लोमा की जो सीटें हैं वो प्रॉपर अमाउंट में इंक्रीज करने को होते हुए दिखेंगी आपको। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेडिसिन के चांसेस बनेंगे, साइकेट्री आपको आराम से मिलेगा, NSTCI ENT अगेन आपको MDMS में मिलेगा, ऑप्थल भी मिलेगा, PDIA का आपको DNB मिल सकता है। अगर यहीं पर आपका रैंक 20,000 या 25,000 प्लस हो जाता है, उस केस में क्या मिलेगा तो वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे आपको NBA डिप्लोमा के चांसेस बनेंगे, NBA डिप्लोमा में आपको गायनिक, PDIA सारे ब्रांचेस मिलेंगे, रेडियो नहीं मिलेगा, मेडिसिन कम चांसेस रहेंगे, NSTCI ENT आपको प्रॉपर अमाउंट में मिलेगा। कैटेगरी के लिए अगर मैं बात करूँ तो कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पे अगेन आपको बड़े ब्रांचेस के भी ऑप्शन बनेंगे, लेकिन यहाँ पे आपके रैंक के अकॉर्डिंग सिर्फ सीट मिलनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इस रैंक के लिए आपने ऑलरेडी बहुत हार्डवर्क किया है, आपको सिर्फ सीट मिलना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सीट आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट टू द बेस्ट कॉलेज या बेस्ट टू द बेस्ट हॉस्पिटल में मिलना चाहिए। DNB या डिप्लोमा के कॉलेज आपको कैसे चूज करने ये मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता रखे हैं। अगर आप कोई हॉस्पिटल चूज कर रहे हो, अगर DNB की सीट है या डिप्लोमा की सीट है, वो प्रॉपर किसी मेडिकल कॉलेज के अंदर सीट है, विदाउट एनी प्रॉब्लम आप उसको ज्वाइन करो, कॉलेज अच्छा है, स्टाइपेंड अच्छा है, आप कंसीडर कर सकते हो। अगर आप गवर्नमेंट में ही पढ़ना चाहते हो, NBA डिप्लोमा को भी चूज करो, काफी बड़े प्राइवेट ब्रांचेस भी वहां पे मिलेंगे, रेडियोथेरेपी जैसे ब्रांचेस आपको MDMS में भी मिलेंगे, लेकिन अगर आपके पास बजट है और आप तब डिप्लोमा चूज कर रहे हो या ऐसे हॉस्पिटल से चूज कर रहे हो, एक सिंपल एग्जाम्पल मैं बताऊंगा आपको, MDMS या अगर आप DNB किसी मेडिकल कॉलेज से करते हो तो वहां पे आपको गाइड करने के लिए आपका प्रोफेसर रहता है, जबकि अगर आप किसी हॉस्पिटल से चूज करोगे तो एक्सटर्नल फैकल्टी वहां पे रहती है, तो फैकल्टी आपको ध्यान देना होगा, अगर फैकल्टी प्रॉपर नहीं है, उनकी चीजें उस तरीके से नहीं है, या हॉस्पिटल के पेशेंट लोड अच्छे नहीं है, बेड कैपेसिटी बहुत ज्यादा कम अमाउंट में या 100 to 150 के बीच में, और आप गायनी या PDIA वहां से ज्वाइन कर लेते हो, तो आपको ये ध्यान देना होगा। स्पेशली अगर आप DNB भी ज्वाइन करते हो तो आपको DNB एग्जिट भी क्लियर करना होगा, और उन चीजों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा।
क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपका क्लियर नहीं होगा, लेकिन कितने अटेम्प्ट में क्लियर होगा इस पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि फैकल्टी इज एवरीथिंग। अगर किसी हॉस्पिटल में आपने ज्वाइन किया और वहाँ की फैकल्टी प्रॉपर नहीं है तो प्रॉब्लम आपके लिए इंक्रीज होगी, तब आपके लिए चांसेस डिक्रीज होगा। इसलिए सिर्फ सीट मिलना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट टू द बेस्ट कॉलेज या बेस्ट टू द बेस्ट हॉस्पिटल में सीट मिलनी चाहिए। इसमें आपकी काउंसलर्स हेल्प करते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हम हेल्प कर रहे हैं, ऑलरेडी काफी सारे काउंसलर हैं, आपको जो भी समझ में आ रहा है आप उनसे काउंसलिंग जरूर कराएं, क्योंकि इस बार की काउंसलिंग बहुत ज्यादा डिफरेंट पैटर्न पे रहेगी। चीजें नए इंट्रोड्यूशन होंगे, कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशन भी आएंगे लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, तो इन चीजों को ध्यान दे कैसे अपने सिक्योरिटी अमाउंट को आप बचा सकते हो, या इन केस अगर आप लो बजट प्राइवेट की तरफ मूव कर रहे हो तो आपको शुरू से ही ये माइंड मेकअप करके चलना पड़ेगा कि हाँ मुझे लो बजट प्राइवेट में जाना है। क्योंकि अगर आप राउंड वन या राउंड वन के बाद भी आते हो स्टेट्स के अंदर, बिल्कुल चांसेस रहेंगे कुछ अच्छे ब्रांचेस में मिलेंगे, लेकिन मॉपअप के टाइम पे अगर आपने ये माइंड मेकअप किया कि अभी मुझे लो बजट प्राइवेट जाना है, एनबी डिप्लोमा या डीएनबी में नहीं जाना है, उस केस में क्या होगा, सीटें मिलेंगी, सीटों में प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन आपके रैंक के अकॉर्डिंग जो बेस्ट कॉलेज मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके पहले राउंड वन और राउंड टू में जिसको सीट मिली होगी वो ज्वाइन कर लेंगे। तो अगर आपको लो बजट प्राइवेट जाना है तो अभी से माइंड का मेकअप कर लें, ऑलरेडी 2 मंथ का मोर देन इनफ टाइम है जिसमें आप ये एनालिसिस कर सकते हो, चीजें समझ सकते हो, अलग अलग कॉलेजेस के अलग अलग हॉस्पिटल्स की बेड कैपेसिटी क्या है, वहां का स्टाइपेंड क्या है। इसके लिए बहुत जल्द हमारी टीम आपको एक एक हॉस्पिटल वाइज या एक एक कॉलेज वाइज हम आपको फोकस करके चीजें बताते रहेंगे, कौन से कॉलेज का क्या बेस्ट हॉस्पिटल है, कहाँ पे क्या है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अगर आप लो बजट प्राइवेट के लिए प्लान कर रहे हो तो क्या बजट में आपको सीटें मिल सकती हैं, अगर आपका रैंक 15,000 या 16,000 टू 30,000 है, अगर आप रेडियो डर्मा मेडिसिन गायनी या पीडिया तक प्लान कर रहे हो तो आपको अप्रोक्सीमेटली 15 लाख पर एनम से आपकी फीस स्टार्ट होगी, और जैसे जैसे आप ब्रांच इंक्रीज करते जाओगे या कॉलेज की क्वालिटी इंक्रीज करते जाओगे ये आपका पैकेज 30 to 33 तक भी इंक्रीज होगा। वहीं पे अगर आप एनेस्थीसिया ENT ऑप्थल या ऑल लोअर ब्रांचेस पे जाते हो या सर्जरी तक भी जानते हो तो पॉसिबिलिटीज होंगी आपके 10 to 15 पर एनम पे ही सीटें मिल जाए, लेकिन ये तब पॉसिबल होगा जब आप राउंड वन से ही लो बजट प्राइवेट को फोकस करते हो या राउंड टू में मैक्स टू द मैक्स फोकस करते हो। अगर मॉपअप में आप कहीं फोकस करते हो तो प्रॉब्लम क्या होगा कि जब भी लो बजट प्राइवेट कॉलेजेस के स्टेट्स के ऑप्शन आते हैं, मैक्सिमम स्टेट्स में ये देखने को मिला है कि राउंड वन में आपकी रजिस्ट्रेशन होती है और उसके बाद डायरेक्टली मॉपअप में जाकर रजिस्ट्रेशन होता है। मतलब कि अगर आपने राउंड वन में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है किसी स्टेट के अंदर जहां पे आपको सीटें मिल सकती हैं, तो हो सकता है राउंड टू में आपके रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन ही ना आए और आपको डायरेक्टली मॉपअप में जाना पड़े, और तब तक जो अच्छे कॉलेज होंगे या जो अच्छे ब्रांचेज होंगे उनकी सीटें ऑलरेडी ज्वाइंट हो रही होगी। तो इसलिए आपको इस पर ध्यान देकर चलना पड़ेगा, अपनी काउंसलिंग को इस तरह से प्लान करें। अगर आप पेड और प्रीमियम काउंसलिंग के लिए देख रहे हो तो आप हमारे admissionmedia.in वेबसाइट पर जाकर पैकेजेस चेक कर सकते हो। अगर हम कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं कर रहे हैं, अगर हम जो प्राइस है उसी पर बात कर रहे हैं, अगर कुछ डिस्काउंट कर भी रहे हैं तो सिर्फ उन बच्चों के लिए कर रहे हैं जो उनको सच में उसकी नीड है, बाकी हम कोई ऑफिशियल डिस्काउंट नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जरूर कुछ क्वालिटी होगा या जरूर कुछ वर्क ऑफ एक्सपीरियंस होगा जिसको मैं ऑलरेडी अपने वीडियोस में काफी सारे बार एक्सप्लेन करते आया हूं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेड काउंसलिंग लेना आपके लिए जरूरी है, उस काउंसलर से आप काउंसलिंग अपनी कराओ जिसको एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो, जिसको टाइम से पहले चीजों का आइडिया लग सके कि हाँ वो एग्जैक्टली क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। इसके लिए ऑलरेडी हमने कई बार अपनी चीजों को प्रूव किया है, चाहे वो पोस्टपोनमेंट की हो या अगेन आपकी इंटर्नशिप एलिजिबिलिटी डेट की हो, काउंसलिंग की हो। अगर मैं काउंसलिंग की बात करूं तो आज से आपको याद होगा 1 महीने पहले अगर मैं चला जाऊं तो सबसे बड़ी ट्रोलिंग हमारी इसी बात के लिए हुई थी कि 11 अगस्त के पहले काउंसलिंग हो ही नहीं सकता। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। एवरी सिंगल यूट्यूबर वॉज कॉन्टिन्यूसली सेइंग नो नीड PG-23 काउंसलिंग इज पॉसिबल बिफोर 11th ऑफ अगस्त। जब हमने ये बोला था तो लोगों ने इसमें मजाक भी उड़ाया था, मीम तो नहीं बोलूंगा, अलग अलग यूट्यूब और बाकी चीजों में भी बोली गई थी। आज के मोमेंट पे अगर मैं देख रहा हूं तो हर कोई यही बोल रहा है कि जून एंड मई एंड जुलाई के एंड तक आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। ओवरऑल ये ऐसा पॉजिटिव शिफ्ट में आप में कहां से आ गया कि आप 11th अगस्त के पहले आ गए। हमने बोला था, सबसे पहले हमने बोला था, वीडियोस आज भी चैनल पे अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हो, वीडियोस हमने कोई डिलीट नहीं है। लोगों ने क्या बोला था उनके भी वीडियोस हैं, आप वो भी चेक कर सकते हो। इसलिए मैंने बोला कि काउंसलिंग उनसे कराएं जो टाइम से पहले चीजों को समझ जाएं कि क्या होने वाला है। हमने निगेटिव शिफ्ट को भी इसी चीज की तरह से बताया था। अगर मैं बात करूं पीजी की काउंसलिंग कब हो सकती है, 100% पॉसिबिलिटीज हैं, जैसा कि ऑलरेडी एनबी के एडवोकेट्स ने ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में बोला था 11th ऑफ अगस्त यानी कि
15th ऑफ जुलाई के अप्रॉक्स में पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं आपकी काउंसलिंग के लिए। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक प्रॉपर वीडियो बना के पोस्ट किया हुआ है, अगर आप नहीं देखे उसे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज वेल एज कमेंट बॉक्स में उसको इस वीडियो का लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप जाके देख सकते हो। साथ में आई बटन में भी मिल जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, कब से काउंसलिंग बिगन हो सकती है, डॉक्यूमेंट कैसे बनाने हैं, मैनेजमेंट एनआरआई सीट्स के लिए देख रहे हो तो डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, एनआरआई डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या क्या चीजें आपको कैरी करनी होंगी, इन तमाम चीजों के लिए मैंने ऑलरेडी बता रखा है। अगर इन तमाम चीजों के लिए आप चीजें देख रहे हो तो आप अगेन आप नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।